मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण, भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरत खंड में वेदव्यास जी लिखते हैं, स्वैत वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्व संभम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक निष्पाप कर्मयोगी सनातन पवित्र क्वारी से जन्म लेने वाला और उसका नाम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। गीता के 70वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी कहे, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद में कहा देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने मित्र के लिए प्राणों को प्राण देता है, मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति देवानुग्रह हेतुक्रम। उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं, उसमें लिखा है पम पापात्मा पाप कर्मा पाप सुमात्रा ही माम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है अस्तोमा सद्गमे थमसोमा ज्योतिर्मे मिथुमा मृतगमे। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3:27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद तीसरे मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा है आपने, छोटा बछड़ा कोमल बछड़ा मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा हो और चिल्ला रहा हो मां, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता लेकिन उसकी मां निश्चय ही उसके पास आ सकती है। वो उस अवस्था से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन उसकी मां उसके पास आ सकती है। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल और बहुत सीधा है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। और सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से, कोई भी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। अब इस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और उस योजनाओं को आज आप धर्म के रूप में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। प्रभु यीशु मसीह कौन है? भारतीय दर्शन में 37 भविष्यवाणियां परमेश्वर के विषय में लिखी हैं कि परमेश्वर को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये परिचय स्वयं परमेश्वर ही आपको देगा। मेरा परिचय कोई दे सकता है? आप में से खड़े होकर इस स्थान पर मेरा संपूर्ण परिचय कोई दे सकता है? आई वुड से माई वाइफ इज जस्ट राइट हियर बट शी कैन नॉट, वो भी शायद मेरा परिचय नहीं दे सकती। प्रियो परमेश्वर का परिचय मनुष्य कैसे देगा? परमेश्वर का परिचय स्वयं परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को ही परमेश्वर को अपना परिचय देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? लगभग 2000 साल पहले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इब्रानियों पहला अध्याय पहला पद हम निकाल लेंगे जल्दी से, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। Praise the Lord। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बातें की, थ्रू प्रॉफिट्स।
God spoke to us through people. मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? You have no plan for India. You never spoke to our people, our ancestors. हमारे लोगों से आपने बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण, भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरतखंड में वेदव्यास जी लिखते हैं, तुमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम। आपने यह सुना गीता 18वें अध्याय 22 श्लोक में, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर उसके पास जाना है जो अनुग्रह देगा। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरतखंड में लिखा है, स्वयत वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भसम्भम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक निष्पाप कर्मयोगी सनातन पवित्र क्वारी से जन्म लेने वाला और उसका नाम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी जाति किसी समाज किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने बोलकर पृथ्वी को बनाया है। गॉड हैज नो कास्ट नो रिलीजन। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। प्रियो आज भारत के कोने कोने में हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटते, अलग अलग प्रकारों के लोगों से हमारा प्रतिदिन मिलना होता है। कई स्थानों पर लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो एक विदेशी परमेश्वर है, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है, तुम्हारा यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। प्रियो भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म शब्दो ब्रह्म आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर, परमेश्वर जो अज्ञात परमेश्वर था वो देहधारी हुआ, प्रकट हुआ, हमारे बीच डेरा किया। मांत्रिक उपनिषद भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दो ब्रह्म शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म और शब्द देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। 33.5 years, 33 साल से अधिक का समय वो हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा। यूं नहीं, भारतीय दर्शन शास्त्र के ब्रह्म बिंदु उपनिषद 31 में लिखा है, परम आत्मा वो परम आत्मा है, सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट, उससे बड़ा कोई नहीं है। श्रुति में श्रुतियों का वो ज्ञाता है, ब्रह्मनिष्ठम वो एकाकार परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा वो एक सिद्ध ब्रह्मचारी परमेश्वर है। मांत्रिक उपनिषद के इस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यद्यपि संसार में बहुत सारे देवी देवता गुरु महात्मा पीर पीर पैगंबर संत आए, लेकिन उपनिषद इस लक्ष्य में सब ब्रह्मचारी वस्त्रशा कोई भी फिट नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के, एक कर्मयोगी सन्यासी पवित्र जीवन। तुलसी याजक आए के कौन भयो समरत कंचन पे कुंचन किन न पस, कौन इस संसार में ऐसा हुआ संत तुलसीदास जी कहते हैं जिसने पाप नहीं किया। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पतन में नामी, इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं संत तुलसीदास जी कहते हैं। प्रियो इस पाप के भवसागर से निकलने के लिए क्या रास्ता है? फ्रॉम आई लास्ट 17 years, 17 साल के कठोर परिश्रम के बाद यीशु मसीह को मैंने मोती की तरह चुन कर अपने जीवन का त्राता बनाया है, चुन कर जान कर कि यीशु मसीह कौन है। मनुष्य आज पूर्ण रूप से पतित पाखंडी हो चुका है, पाप की अवस्था में पूर्ण रूप से गिर चुका है, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं कि वो इससे बाहर निकल आए सिवाय इसके कि उसके लिए एक दंड दिया जाए। आपने गलती की है, आपने पाप किया है, पापम पापात्मा पापकर्मा पाप समात्राहिमाम पुनरक्षाम सर्वपा, हम में से हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर बैठा है चाहे वो किसी जाति भाषा कुल समाज क्षेत्र का क्यों ना हो, जान ले कि वो पापी है। अस्तो मां सदगमे असत्य में है प्रार्थना की जा रही है, हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमे, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति मिले चले। मृत्युमा अमृत गमे, और मृत्यु से निकालकर जीवन मिले चले। और यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे लिए है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इट्स नॉट फिलोसफिकल, इट्स नॉट इमोशनल कि प्रभु यीशु मसीह भावनात्मक जीवित है, मेरे मन में जीवित है, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो, एक पब्लिक डेथ। रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पब्लिकली मारा गया और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी पब्लिकली हुआ। 40 दिन और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में रहा। यह है मेरे और आपका विश्वास का कारण।